नमस्कार दोस्तों, आवसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा जूता डिज़ाइन लाई हूँ, अंगूठे वाली जूती जो 4 और 5 नंबर के फुट साइज में आसानी से हो जाएगी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बेबी वूल इस्तेमाल किया है और 10 नंबर की सिलाई। तो सबसे पहले हम 52 डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। इसके लिए हम ऐसे डबल फोल्ड में धागा कर लेंगे और एक फंदा ऐसे डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, और दूसरा फंदा बनाने के लिए इसको धागे को दोनों उंगली के बीच में रखेंगे, अंगूठे को नीचे रखेंगे और ऐसे सिलाई के ऊपर ऐसे लगा लेंगे। अब इस धागे को, जो सिंगल धागा है, उसको सिलाई के ऊपर ऐसे ले जाएंगे और यूं ऐसे अंदर से निकाल देंगे। अब इसको खींच देंगे, देखिए 2 फंदे बन गए। फिर से देखिए, एक नॉर्मल फंदा और दूसरा, दोनों उंगलियों में ऐसे दबाया, अंगूठे को नीचे रखा और इस धागे को, डबल वाले धागे को सिलाई के ऊपर रखा, सिंगल वाले धागे को घुमा कर नीचे से ले गए और इसको ऐसे निकाल दिया, खींच दिया। इसी तरह करके हम 52 फंदे डालेंगे। तो 52 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिलाई में मैंने 52 फंदे 52 स्टिचेस डाल रखे हैं और अब ये पहला लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और शेष फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर दी। लास्ट वाले फंदे को हम उन दूसरी ओर करेंगे और सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब पहले फंदे को स्लिप किया, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये जूती हमें चाहे किसी भी फुट साइज के लिए बनाना हो तो भी हम 52 फंदे ही डालेंगे, अधिक फंदे नहीं डालेंगे। 52 फंदे डाल के ही हम जूती बनाना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी नंबर के लिए बनाए। अब हम तीसरी लाइन पे आ गए हैं। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदे को छोड़कर शेष सभी फंदे उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए, ये दूसरी धारी बनना शुरू हो गया है। इसी तरह हम कुल 5 धारी बनाएंगे, यानी 10 लाइन तक हम। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 10 लाइन बुनने से 5 उल्टे फंदों की धारियाँ सामने से भी आई हैं और पीछे से भी आई हैं। और पहला फंदा स्लिप करने से देखिए एज एकदम क्लीन आया है। तो इस तरह हमारा बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया है। अब दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो देखिए 24 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिज़ाइन बना हुआ है। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1, 2, ये हमारा सेंटर फंदा है। फिर
ऊन को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन फिर से शुरू हो जाएगा। एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहली लाइन में क्या किया, 52 फंदे को तीन भागों में डिवाइड किया, 24 फंदा इस साइड में और 24 फंदा इस साइड में, और बीच के चार फंदों में हमने, देखिए बीच के चार फंदों में हमने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाला, फिर दो फंदा सीधा, फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। ये हमारे चार फंदे थे जो अब बढ़ के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे हो गए। दो बीच के फंदे के दोनों साइड में हमने जाली डाला और लास्ट के 24 फंदों में हमने फिर डिज़ाइन को रिपीट कर दिया। इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में आए हैं और तीन फंदे को उल्टा बुनेंगे। एक पहला फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे उल्टे, और स्लिप किया हुआ फंदे को स्लिप करेंगे। फिर नेक्स्ट तीन फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब बीच के ये 6 फंदे यानी दो जाली और ये 4 फंदे, इन सभी को हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, शेष फंदे को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरा लाइन हम पहले लाइन की तरह ही बनाएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा सीधा, और इस स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस तरह बुनते हुए हम बीच में आएंगे। तो बीच में आके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने 24 फंदे बुन लिए हैं, अब ये बीच के 6 फंदे रह गए हैं। तो अब क्या करेंगे, दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक और दो, दो फंदा सीधा बुना। यहाँ देखिए जाली पड़ा है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, या ऊन अपने करने से जाली पड़ जाएगा, तो दो फंदे हम सीधे बुनेंगे जाली देते हुए, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे क्योंकि हमें इस जाली के ऊपर जाली बनाना है। तो ऊन अपनी ओर करके फिर ये दो फंदे हैं, इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे। अब फिर ये लास्ट के 24 फंदे बचे हैं, तो इन्हें जैसा है वैसे ही बुनते जाएंगे, यानी स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह करते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब लाइन कंप्लीट हो गई है और अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, बुने हुए फंदे को भी, पहला फंदा स्लिप किया, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, बुने हुए फंदे को भी और स्लिप किए हुए फंदे को, स्लिप किया हुआ फंदा इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो चौथी लाइन में हम सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब यह डिजाइन का पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से बुनेंगे और तीन फंदा सीधा और इस चौथे फंदे को जो हमने स्लिप किया था वापस इसी फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, शेष तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। इस तरह हम 24 फंदे कंप्लीट करेंगे। तीन फंदा सीधा बुनते हुए चौथे फंदे को स्लिप करते हुए 24 फंदा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 24 फंदा कंप्लीट कर दिया। अब ये बीच के फंदे हैं, तो हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, यानी जाली के पहले जितने फंदे हैं, तीन फंदे हुए हैं, तो तीन फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस जाली के ऊपर हमें जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो,
फिर उन अपनी ओर करेंगे। और देखिए ये तीन फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। इस तरह करते हुए हम पांचवी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आठवीं लाइन और रॉन्ग साइड। तो आठवीं लाइन में हम जितने बुने हुए फंदे हैं उन सबको उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। जाली को भी हम उल्टा बुनते हुए पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा और जाली को भी उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवां लाइन और सामने से। सातवां लाइन भी हम पांचवे लाइन की तरह ही बनाएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। इस तरह 24 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए 24वां फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब हमें चार फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। हर सीधी लाइन में जाली डालने से एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। अब फिर हम उन अपनी ओर करेंगे, इन दोनों फंदों के दोनों तरफ हमें जाली डालना है। फिर उन अपनी ओर करेंगे, उन अपनी ओर करने से जाली पड़ जाएगा और देखिए इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर जो हमारा 24 फंदे का पैटर्न है उसे फिर से शुरू कर देंगे, स्लिप करेंगे, शेष तीन फंदा सीधा, तीन फंदा सीधा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। इस तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, स्लिप किया हुआ फंदा और बुना हुआ फंदा, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब हम बॉर्डर के बाद नाइन्थ रो में आ गए हैं। तो नाइन्थ रो खास है, इसे ध्यान दीजिएगा। अभी 24 फंदे को तो हम ज्यों का त्यों बुन लेंगे, यानी कि तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा। इस तरह बुनते हुए हम 24 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। तो 24 फंदा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 24 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये फंदा स्लिप किया गया है, अब तीन फंदे सीधा बुनेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें स्लिप करने के लिए फंदा मिल जा रहा है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे सीधे, यानी जाली देते हुए सीधा। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस डिज़ाइन के बाद हमें चार फंदे मिल जा रहे हैं, तो एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और तीन फंदा सीधा, यानी डिज़ाइन एक आगे बढ़ गया। हर नवी लाइन में हमारा एक डिज़ाइन एक आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे डिज़ाइन लास्ट तक कंप्लीट होगा। यहाँ नवी लाइन में यहाँ पे एक डिज़ाइन बढ़ा है, फिर नेक्स्ट नाइन्थ रो में एक डिज़ाइन यहाँ पे बढ़ा है, नेक्स्ट नाइन्थ रो में एक डिज़ाइन यहाँ पे बढ़ा है, यानी हर नवी लाइन में एक एक डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और ये लास्ट तक डिज़ाइन बनेगा। और हर सीधी लाइन के दोनों तरफ हमें, ये बीच के दो जो फंदे हैं इनके दोनों तरफ हमें हर सीधी लाइन में जाली डालना है। तो देखिए पांच लाइन हमने दूसरे कलर के ऊन से पांच लाइन बनाया है, एक दो तीन चार और ये पांच। तो इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे कलर के ऊन से पांच लाइन डिजाइन बन चुका है, एक दो तीन चार पांच। तो अब हम दूसरे कलर का ऊन काट देंगे क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब सभी फंदों को पहले कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे और जो थ्रेड को हमने काटा है उसे ऐसे लपेटते जाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनने से तो 9 उल्टे फंदों की धारी आ गई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 उल्टे फंदे की धारी आ गई है। तो अब क्या करेंगे कि इस लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के लिए हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुन लेंगे, तो एक फंदा घट गया। इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को घटाएंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब ये वाला फंदा वापस हम 22 लाइन में चढ़ाएंगे और एक फंदा और ले लेंगे और दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बुनेंगे। अब फिर इस फंदे को 22 लाइन में चढ़ाएंगे, एक फंदा और ले लेंगे और दो फंदा को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह हमारे फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे फंदों को घटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो दो फंदों को एक साथ लेके और सीधा बुनते हुए मैंने लगभग सभी फंदों को घटा दिया है। हम घटाई हल्के हाथों से ही करेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे, वरना हमें पहनने में, जूती पहनने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो हमारे तलवे में गड़ेगा। तो ये देखिए सभी फंदे हमने घटा लिए। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लंबा करेंगे और गोले को इसमें से निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे। अब थोड़ा सा थ्रेड इसमें छोड़ देंगे सिलाई करने के लिए और इसे हम काट देंगे। तो ये हमारा ऐसे बनके तैयार हो गया है। अब हम इस थ्रेड को दूसरी साइड में लगाएंगे और यहाँ इन्हें भी हम सीधा सीधा बुनते हुए 18 लाइन कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम 18 लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी जैसे हमने इधर बनाया है वैसा ही इस साइड भी हमें बना लेना है। तो 18 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पोर्शन भी तैयार हो गया है। मैंने 18 लाइन सीधा सीधा बुना है जिससे 9 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। अब हम इस लाइन में इन सभी फंदों को घटा देंगे, दो दो फंदे एक साथ लेते जाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे। फिर इसे 22 लाइन में चढ़ाएंगे और एक और फंदे को लेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक करते हुए सारे फंदे घटा देंगे। तो सभी फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे घट चुके हैं। अब हम इस लूप को, इस फंदे को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे और ऐसे खींच के इसे खींच देंगे। अब इस धागे को हमें काट देना है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम ऊपर का जो धागा है इसे काट लेंगे और इसी में हम इसी को सुई में डाल के और पीछे वाला हम सिलाई कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक दो बार ऐसे यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये बार बार एड़ी से रगड़ खा के ये कट जाता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी मजबूत सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी ये एज दिखाई दे रहे हैं सीधे फंदों की, तो उसी में एक बार इस साइड में ऐसे सुई डालेंगे, फिर एक बार दूसरी साइड में। एक बार इस साइड हम ऐसे सुई डालेंगे, एक बार दूसरी साइड में, इसी तरह करके हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पैर से लेके एड़ी तक की सिलाई कर ली है। अब हमें इस साइड में सिलाई करनी है। तरीका हमारा वही रहेगा, जितने ये एज वाले फंदे दिखाई दे रहे हैं सब में हम एक बार इस साइड में सुई डालेंगे, एक बार दूसरी साइड में, इस तरह करके हम जहाँ तक ये फोल्ड करने के बाद यहाँ तक आता है यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। यानी इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। तो इतना सिलकर मैं आपको दिखा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब इस सिरे को ऐसे फोल्ड करने पर ये यहाँ तक आता है, तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो ताकि इसका कोना ना निकले। अब इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे लपेटने के बाद इसे हम काट देंगे। इसी तरह अब हम दूसरे सिरे की भी सिलाई कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को हम आपस में ऐसे सिल बांध लेंगे और इन्हें एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम इसके अंदर ऐसे फंसा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंगूठे वाली जूती बनके तैयार है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरी ये जूती अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।